सबसे पहले क्या हुआ, आर्टिकल 40 में हो गया, ठीक है। भारत में जब संविधान बना तो आर्टिकल 40 में क्या कर दिया गया, पंचायतों का गठन करने के लिए उपबंध कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल एक ही कर दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, तो दबाव होने लगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने एक योजना चलाया, एक कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि क्या हो गया, उसके बाद दूसरे साल राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, वो भी असफल हो गया। तो टेंशन में आने के बाद किसको बुलाया, यही तक पहुंचे थे क्या? ध्यान से सुनते चलना थोड़ा देर, फिर हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। अभी लिखने का काम मत करो। बलवंत राय मेहता को बुलाया गया, यही तक पूछे थे ना। अब बलवंत राय मेहता जी जब आएंगे, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन बुलाया इनको, ठीक है, इनको बुलाया और उनको क्या बोला गया, बलवंत राय मेहता को ये बोले कि यार हमने जो दो प्रोग्राम चलाए, कौन कौन सा, पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कब, ये डेट, जो जो डेट बता रहा हूं उसको याद रखना है भैया ना, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब, तो 1952। दूसरा प्रोग्राम क्या चलाया गया, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, ये कब, है ना, 2 अक्टूबर ही क्यों चूज किया गया, है ना, गांधी जी का ही सपना था, इसीलिए 2 अक्टूबर को चुना गया, इसी के कारण तो दबाव हो रहा था ना, ठीक है। तो अब क्या किया गया, बलवंत राय मेहता जी को बुलाया गया, टेंशन में आ गया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि दोनों प्रोग्राम असफल हो चुके थे, जनता का दबाव बढ़ रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, ठीक, जिसे कहा गया बलवंत राय मेहता समिति। कब गठित किया गया सर, तो 1957 में, कब, डेट से याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिखो मत, अभी लिखवाऊंगा मैं इसको अलग तरीके से, अभी याद करते चलिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज हेतु किया गया था कि नहीं, तो ये गलत जवाब है, समझ आ रहा है, यही गलती होता है, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया वो इन विकास कार्यक्रम जो चलाया गया, इसकी विफलता, क्यों ये असफल हुआ, इस चीज का पता करने के लिए किया गया था, ना कि, समझ आया कि नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और सबसे ज्यादा गलत किया जाने वाला क्वेश्चन है, आज के बाद गलती नहीं होगा ना, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, तो पंचायती राज का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इनको ये बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भाई ये जो दो प्रोग्राम चलाए हैं इसकी असफलता का कारण पता करिए, क्या बोला गया, पहला चीज। और अगर कारण पता चल गया तो हम स्थानीय स्वशासन की स्थापना कैसे करें, इसका सुझाव आप दीजिए, उसको कैसे ठीक कर सकते, क्योंकि मैं तो हार गया हूं भाई, जो कर सकता था कर लिया, आप थोड़ा बुद्धि लगाओ बोले, समझ आ रहा है। तो जब इन्होंने क्या किया, इस समिति, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति जो है 24 नवंबर, कब, 1957 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, कब, जितना डेट बता रहा हूं वह याद करना है,
फालतू नहीं बता रहा हूँ प्रीति, नया कॉपी लेना है और जहां से पढ़ा रहा हूँ वहीं से पढ़ना है, शुरू का 2-3 पेज छूट गया उसको लिख लेना है, ठीक है ना? कैसे भाई साहब, कहाँ थे इतने? ठीक करो भाई तबियत, ठीक है। 24 नवंबर को क्या हुआ? रिपोर्ट इन्होंने पेश किया, रिसर्च किया, ठीक है। रिपोर्ट पेश करने के बाद, जब रिपोर्ट पेश किया गया उसके बाद आपका इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या करा बताया, ठीक समझ आ रहा है कि इस दो योजना जो चलाई गई इसकी असफलता का क्या कारण है, समझ आ रहा है? Yes, जनता में सहभागिता की कमी, जनता में सहभागिता की कमी। और दूसरा कारण क्या बताया था, याद करो, भ्रष्टाचार। इन्होंने भी ये दो कारण बताए, कौन कौन सा? याद रख, ठीक। ये दो कारण, इस अगर आपको पूछा जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के असफलता के कारण कौन कौन से, तो दो लेना है। सबसे पहला कारण क्या लेता है? जनता, क्यों जनता में सहभागिता की कमी? उसके पीछे कारण यह था कि ज्यादा लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। आज मैं आपको बोला आप इतने पढ़े लिखे हो तो भी आपको बहुत सारी सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं पता है, बताओ ना कितना तो पता है। कौन सा ऐसा योजना है जिसको डिटेल आप जानते हो और जिसका आप फायदा उठा रहे हो, बताओ, एक आठ बताओ रुचि। एक भी ऐसा योजना नहीं है जिसका आप फायदा उठा रहे हो, बताओ ना जी, जितना पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो उन लोग कहां से जानेंगे बेचारे लोग, है कि नहीं? पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या बोला गया था, क्या किए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत? सरकारी अधिकारी अपॉइंट किए जिनको भेजा गया और सरकार की योजनाओं को बताने कहा गया। दूसरी बार में क्या कहा गया राष्ट्रीय विस्तार में, कि जनता की समस्या को सुनना है उसको बताना है ना, समझ आ रहे हैं? अब देखो ये तो कारण बता दिए कि भैया सहभागिता की कमी और कारण यह असफल हुए, ठीक। सुझाव भी देने बोले थे तो भैया ठीक है, पता तो कर लिए किस कारण से, लेकिन अब हमको स्थानीय सुशासन की स्थापना करना है तो वो कैसे होगा? तो इन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना अगर करना है, ठीक है, तो पंचायती राज की स्थापना करनी होगी, समझ आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन बदलेगा, उत्तर बदलेगा। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना पंचायती राज हेतु हुई थी? क्या नहीं। तो किस लिए हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए, ठीक। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, दोनों में अंतर समझ आ रहा है? किया इसने, इसको पंचायती राज की स्थापना के लिए नहीं किया गया था, है ना, लेकिन इसने क्या दिया, सुझाव दिया। पंचायती राज की स्थापना जो किया जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया जाना चाहिए, बोला कितना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज भारत देश में अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, किसकी देन है? बलवंत राय मेहता जी को बोला जाता है कि जो बलवंत राय मेहता है इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था के मूर्तिकार कहा जाता है इसको, पंचायती राज व्यवस्था के पूछा जाए तो, पंचायती राज व्यवस्था के जनक पूछा जाए तो भी। लेकिन अगर यह पूछा जाए, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, इन्होंने बोला कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक, जो सबसे ऊपर स्तर की बॉडी होगी, सबसे ज्यादा पावर इसके पास, जिला के बाद खंड स्तर पर जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं या विकास खंड बोलते हैं, उस समय उस पर पंचायत समिति होनी चाहिए,
पंचायत, ठीक है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। ग्राम स्तर पर क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा है क्या? कहाँ है वो सर, बोल देते हैं यार, एक जिला परिषद कहाँ है? तो जिला पंचायत है हमारे यहाँ। जिला परिषद है क्या? पंचायत समिति है क्या? जनपद पंचायत हमारे यहाँ। समझ आ रहा ना, इसने ऐसा बोला, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा है क्या? नहीं है। समझ आ रहा ना? समझ आ रहा है। तो ये तीन स्तर याद रखना है। जिला स्तर पर इन्होंने सुझाव दिया, जिला परिषद, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा? याद रखना है। अब ध्यान से सुनते चलो। सुझाव दे दिया, और भी सुझाव दिए, ठीक है, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा। भैया आप ये बॉडी तो बना दिए, यहाँ इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन उनको पावर नहीं दोगे तो कैसे काम हो पाएगा? पर विकेंद्रीकरण समझे थे ना उस दिन? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहली बार कौन सुझाव? इन्हीं के सुझाव पर 1958 में, एक साल बाद है ना, 1950, अच्छा ये जो सिफारिश यहाँ एक डेट बताया, हाँ चलो ठीक है, एक डेट और जोड़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पेश करेंगे और फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में इनकी रिपोर्ट को स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है। अब स्वीकृत कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृत करने के बाद, उनकी स्वीकृत का मतलब है कि उनकी सुझाव को माना गया, ठीक। मानने के बाद क्या किया गया? पहली बार 1958 में आंध्र प्रदेश में, कहा आंध्र प्रदेश में क्या होगा कि देखो भैया, बोल गए कि भैया पंचायती राज होना चाहिए, तीन स्तरीय होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर देना चाहिए, सारी चीजें बोल दिया गया, ठीक है ना। कोई भी चीज जब हम बड़े स्तर पर करते हैं, उस बड़े स्तर पर करने से पहले यदि हम किसी छोटे स्तर पर उसको लागू करते हैं, है ना, तो इसी को मतलब एक तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं बोल सकते हैं, है ना, या इसी को पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। जब पायलट प्रोजेक्ट अगर कहीं अगर यूज आज के बाद कभी सुनोगे, उसका मतलब यह है कि उसको बड़े स्तर पर करने से पहले कहीं छोटे स्तर पर उसको करके देखा जा चुका है। समझ आ रहे? तो भारत देश में पहली बार, ध्यान से सुनना, प्रश्न का उत्तर बदलेगा, एक स्टेटमेंट अगर चेंज कर दूंगा उत्तर बदल जाएगा। पहली बार प्रयोग कहां पूछने से? लागू करके प्रयोग किया गया, प्रयोग हो रहा है ना, टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैच खेलते हैं, तो चल तू भाई टेस्ट बॉल पे, तो उसको गिनते हो क्या ओवर में? नहीं गिनना है उसमें, है ना, बोलते ना यार उस टाइप का, तो सिर्फ टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 अक्टूबर, ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959, ठीक। पहली बार आपको याद रखना है राजस्थान, कहां? राजस्थान में नागौर जिला है। कौन सा जिला? नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव है। कौन सा? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार 2 अक्टूबर, फिर आ गया 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। टेस्टिंग को नहीं लेना है, पहली बार प्रयोग पूछने से, ठीक है ना, लेकिन पहली बार पंचायती राज लागू पूछने से बगदरी गांव, याद रहेगा? याद रखना है इसको, राजस्थान के नागौर जिले के। कौन किया सर इसको शुरू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? कैसे किया सर? तो क्या किए, वहां गए और जाने के बाद वहां बकायदा दीप जलाए, दीप जलाते हैं, दीप जलाने के बाद पंचायती राज की शुरुआत की, ठीक। अब देखो, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना, उत्तर पढ़ा चुका हूं। पंचायती राज के जनक पूछने से,
बलवंतराय मेहता बताना है, लेकिन स्थानीय स्वशासन के जनक आपको बताया था रिपन, ये गुलाम भारत पूछेगा तब बताना। गुलाम भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन आपको बताया था, डेट याद किए थे, याद आ रहा है। अगर आपको पूछा जाए आजाद भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक तो क्या बताना है, समझ आ रहा है कि मैं बोला ना एक स्टेटमेंट चेंज करूंगा और आंसर बदल जाएगा, इसलिए बहुत बारीकी से प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है ना। अभी एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, एक एक एमसीक्यू, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वापस, बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब, 1957, किस लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की असफलता की जांच हेतु और सुझाव हेतु। जांच में क्या पाया गया, क्या कारण, जनता में सहभागिता की कमी और भ्रष्टाचार। सुझाव क्या दिए, अगर स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना है तो पंचायती राज की स्थापना करनी है। पंचायती राज कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक, पंचायती राज व्यवस्था के जनक भारत में, अरे भारत में पंचायती राज के जनक पूछ रहा हूँ, तो भी आपको यही लेना है बलवंतराय मेहता। स्थानीय स्वशासन पूछे तब रिपन और तब भी आएगा। स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब होता है, जनता के द्वारा जब खुद प्रशासन किया जाए, है ना। इसने तो सिर्फ सुझाव दिया है और इसी के बेसिस पे सारा चीज लागू है, लागू करने वाला भाई साहब है ना, तो स्थानीय स्वशासन में इसका नाम आएगा, है ना। पंचायती राज व्यवस्था के जनक में इसका नाम आएगा। इन्हीं के कहने पर पहली बार टेस्टिंग हुआ, लागू हुआ, ठीक है, याद रहेगा। और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को, कब, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, कहा, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में दूसरा, पहला लागू कहा, अरे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, दूसरी बार लागू कहा, याद रहेगा इतना। अब मैं कुछ, देखो वैसे तो पंचायती राज के लिए टोटल 22 समिति बनेगी, कितने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 22 समिति बनेगी, है ना। और हर कोई समिति अलग अलग सुझाव देगा, कितना समिति टोटल, तो 22 समिति को हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ समिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6, इस 6 को तो पढ़ना ही पढ़ना है और इसी 6 से क्वेश्चन आएगा, समझ आ रहा है। सबसे पहले कौन सा डेट बताया, 57, ठीक है। 57 के बाद चलना है 77, कहाँ चलना है, फिर चलना है 85, फिर चलना है 86, फिर चलना है 88 और फिर चलना है 88। इतना डेट 6 हुआ था, 6 डेट याद करना है। एक और डेट है लेकिन उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है, समझ आ रहे हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर लिखेंगे हम लोग अच्छे से। अभी आप कोशिश करिए याद करें, 57, 77, 85, 86, 88, 88, बस ज्यादा तो है, 57, 77, 85, 86, 88, 57, 77, 85, 86, 88, है ना। ऐसा याद कर सकते हो, BAGS PG, ऐसा याद कर सकते हो। बैग्स, बैग लेके पीजी करने जाते हैं, है ना, बैग्स लेके बनेगा, बनेगा। BAGS लिखा हूं और पीजी लिखा हूं, बैग लेके जाओगे ना, बैग लेके नहीं जाते लेकिन पीजी करने। बी से बलवंतराय मेहता, ए से इसका बेटा आ जाएगा अशोक राय मेहता, GVK राव समिति, ठीक है, GVK राव जी से, एस से लक्ष्मीमल सिंघवी, एस से सिंघवी समिति, पी से पी के थुम्बन, पी के थुम्बन,
और जी से आपका गार्डविल, छह समिति याद रखना बनेगा। बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक राय मेहता, जी से जीवीके राव, एस से सिंघवी, ठीक है, एस से सिंघवी, लक्ष्मण सिंघवी, फिर पी से आपका पी के थुमल और जी से गार्ड, याद हुआ सबको, ठीक है ना, ठीक है। अब एक एक चीज को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम लोग पढ़े, जहां तक पढ़ाया हूं वहां तक चलो व्यवस्थित लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लास्ट लाइन एक बार पढ़ो तो, जो लिखवाया था थोड़ा सा। इसके बाद पंचायत के विकास के लिए एक समिति का गठन बलवंत राय मेहता। हाँ ठीक है, चलो, बलवंत राय मेहता समिति 1957 पहला। ऐसा रुको रुको, हेडिंग डाल लो, पंचायती राज व्यवस्था हेतु गठित प्रमुख समितियां। वैसे तो मैं 22 समिति को लाइन से कल लिखवाऊंगा और उसके प्रमुख प्रावधान भी आपको बताऊंगा, सीधा रट लेना है उसको, एक लाइन बस, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। पंचायती राज व्यवस्था हेतु गठित प्रमुख समितियां, पहला लिखना है बलवंत राय मेहता समिति 1957। रोज आओ भाई साहब, यस रोज आना है भाई, है ना, कोचिंग मत छोड़ो यार, कोचिंग आना बस मत छोड़ा करो, पूरा नहीं तो फ्लो टूट जाता है, पढ़ाई लिखाई सब स्विच ऑफ हो जाता है। 1957 नीचे नोट करके लिखिए, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन, इसको 1957 लिखो ना इतना सामने में, हाँ ऐसा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 कर लेना ब्रैकेट में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, सॉरी राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार या विकास दोनों सेम है ना, कभी विकास लिखा जाए तो टेंशन नहीं आना, विस्तार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 की असफलता की जांच के लिए किया गया था, याद रहेगा, कि असफलता की जांच के लिए किया गया था, ना कि पंचायती राज की, ना कि पंचायती राज के लिए, ऐसा लिख लो तो दोनों क्वेश्चन याद रहे, जांच के लिए किया गया था ना कि पंचायती राज के लिए, ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट में दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया अपने को, ये आपको लिखवा दिया रहता हूं, बनेगा, ठीक है। फिर बलवंत राय मेहता समिति लिखियो ना, नीचे लिखो अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, ये नोट वाला याद रखना है भैया ना, क्योंकि फिर नहीं तो आज नहीं तो कल नहीं लिखे रहोगे तो फिर भूल जाओगे। अध्यक्ष बलवंत राय मेहता, उद्देश्य, किस उद्देश्य से किया गया था, ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु, ग्रामों में उद्देश्य, ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु, रिपोर्ट पेश कब किया गया, डेट बताओ, 24 नवंबर 1957 रिपोर्ट पेश, ठीक है, रिपोर्ट पेश कब, तो 24 नवंबर 1957 और रिपोर्ट स्वीकृत 12 जनवरी 1958। आपको 58 वाला डेट बताया था ना, इस पे ये वाला रिपोर्ट स्वीकृत किया गया, लिखो स्वीकृत, 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट पेश, पेश लिखो वहां पास,
रिपोर्ट प्रस्तुत लिखो, और रिपोर्ट को स्वीकृत कब किया गया? 12 जनवरी 1958, डेट सही लिखना है ना। किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ये सब एक छोटा 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 एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, बता रहा हूं। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकृत किया जाएगा। कौन स्वीकृत किया, क्या है, सारी चीजें, सब चीज याद रखना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 साल में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। मेरे को पढ़ाने दो, फिर आपको समझ में खुद आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये लिखो कि अनुशंसाएं या इसी को लिखना, अनुशंसक और क्या बोलते हैं हिंदी में, सिफारिश। इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है ना, इस रिपोर्ट में पेश किया, अनुशंसाएं या सिफारिश। पहला, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, और इसको लिख लेना है। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करके है ना, इसको लिखना है। त्रिस्तरीय में कौन कौन सा? सबसे पहले जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बोला गया। आप लोग जिला स्तर पर ऐसा लिखना ना, वरना जिला करके समझ में आ जाएगा। जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। स्टेटमेंट में ऐसा भी दे देगा कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश इनमें से कौन कौन सी थी, चार दे देगा। उसमें से लिख देगा त्रिस्तरीय पंचायती राज, पहला लिख देगा जिला पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा ग्राम पंचायत। जिला परिषद मतलब जिला परिषद ही लिखा होना चाहिए, तब वो सही आएगा। अदरवाइज वो स्टेटमेंट आपको गलत लेना है, इसीलिए शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना, परिषद और पंचायत में डिफरेंस है, इसलिए विधान परिषद और विधानसभा में अंतर है ना। क्या होता है दोनों में अंतर? विधान परिषद और विधानसभा, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है। विधान परिषद में इलेक्टेड प्लस निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य रहेंगे, लेकिन विधानमंडल में केवल और केवल, ये फर्क है। समझ आ रहा है? तो वही है, ये जिला परिषद अलग है और जिला पंचायत अलग है, इसलिए एकदम शब्दों ध्यान देना। दूसरा लिखिए, दूसरी अनुशंसा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की। दो याद रखना है, ठीक है। नोट करके नीचे लिख लीजिए, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या मूर्तिकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या मूर्तिकार माना जाता है। याद रहेगा। नीचे लिखिएगा, इन्हीं की अनुशंसा पर या इन्हीं की अनुशंसा या सिफारिश पर पहली बार कहां प्रयोग किया गया, कब किया गया? हाँ, लिखिए इसको, इन्हीं की अनुशंसा पर 1958 में प्रयोग के तौर पर पंचायती राज लागू। इन्हीं की अनुशंसा या सिफारिश पर प्रयोग के तौर पर पंचायती राज लागू आंध्र प्रदेश में, ठीक लिखा हूं। ये देखो, आंध्र प्रदेश में प्रयोग के तौर पर लागू है ना, प्रयोग के तौर पर भाई,
लेकिन इसको लेना नहीं है, प्रयोग हो रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कब? तो प्रयोग लिख लिया, नीचे लिखना 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक बनेगा, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज की शुरुआत की गई, या दीप जलाकर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके बाद दूसरा डेट क्या आएगा, 11 अक्टूबर 1959 को, दूसरा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में पंचायती राज व्यवस्था लागू, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में पंचायती राज व्यवस्था लागू बनेगा। नोट करके नीचे लिखिएगा, डब्बा बना के लिखो, नोट करके। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता, पंचायती राज के जनक किसे कहेंगे? बलवंत राय मेहता को, और आजाद भारत में स्थानीय सुशासन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता, और नीचे लिखना है आजाद भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक ठीक है बनेगा। तो बलवंत राय मेहता से क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीय, और भी है लेकिन उसको मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि पूछेगा इसी को, बनेगा बलवंत राय मेहता 1957। चलो आगे, दूसरा हेडिंग डालना है अशोक राय मेहता समिति, कब 1977 के बाद 77 याद कैसे, 57 77 के बाद 85 86 88 बैक्स के बाद पीजी है ना, ये आएगा आपका सीक्वेंस में जमाने के लिए। ठीक है चलो इधर ध्यान दो, हो गया लिख ले, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अशोक राय मेहता जो है वो बलवंत राय मेहता के बेटे थे, ठीक है बनेगा। क्या हुआ कि आप लोग को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे है ना, इसके बाद 1977 में क्या हुआ, मुरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी, किसकी? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। क्या कारण था, सारा चीज पता है क्या है, जब प्रधानमंत्री जी थे तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग हर एक 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाते थे किसी एक मुद्दे को फोकस करके, उस जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कृषि को अगर बेस बना लिया गया तो उस 5 साल उस कृषि को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए, इस पर पूरा जो योजना फोकस रहेगा। अगर उद्योग कर दिया जाए तो उद्योगों पर पूरा फोकस रहेगा,
समझ आ रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योगों को विशेष रूप से फोकस किया, लेकिन उनकी जितनी भी योजनाएं थी सारी असफल हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसी का फायदा मिला जनता पार्टी की सरकार को, जिसके नेता कौन थे? मुख्य मुरारजी देसाई। इन्होंने भी क्या किया, जब ये प्रधानमंत्री बने तो पंचायती राज व्यवस्था को कैसे या स्थानीय स्वशासन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई। कब? 1977 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए पहली समिति कौन सी? अशोक राय मेहता। बलवंत तो नहीं था करके बार बार हो गया बताते। बलवंत राय मेहता पहला समिति नहीं था, पहला समिति था लेकिन पंचायती राज के लिए पहला नहीं था। पहला पूछने से अशोक राय मेहता बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है जी। वो तो विकास कार्यक्रम की असफलता के लिए था, पहला चलाने लिखे हो आप भूल जाते हो फिर। ठीक है। अब अशोक राय मेहता जी, इन्होंने भी क्या किया, ये लगभग इसमें 13 सदस्य थे। कितने? 13 सदस्य। जितने भी 22 तो समिति पढ़ोगे ना, उस 22 समिति में सबसे बड़ी समिति पूछने से याद रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसको याद रहे। लगभग देखो 13 सदस्य, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा ज्ञान देंगे, ज्ञान तो देंगे ना जी। ठीक है। तो 137 से ज्यादा अनुशंसाएं या सिफारिश किए थे लोग, सोचो कितने? 137। अब 137 ठोक को तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना, आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ डालो। चार ठोक याद नहीं हो पा रहा है अभी, 137 तो कहां याद हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो प्रमुख जो बता रहा है उसको याद रखना। ठीक है। यस सर। 137 से ज्यादा, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से 3 या 4 जो बता रहा उसको याद। सबसे पहले इसने क्या बोला, द्विस्तरीय पंचायती होना चाहिए बोल रहा है। 3 नहीं, कितना होना चाहिए? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए बोल रहा है। द्विस्तरीय कैसे? तो जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए बोल रहा है। समझ आ रहा है? और जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होना चाहिए बोल रहा है। समझ आ रहा है? ग्राम पंचायत जो है वो नहीं होना चाहिए बोल रहा है। इसके हिसाब से ग्राम पंचायत बनाना फालतू है, और किसका विकास करने जा रहे हो? ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए बोल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो याद रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्राम पंचायत को नहीं होना बताया, तो दो स्तरीय पंचायती राज बताया, तो याद रहेगा। 3 स्तरीय पूछने से याद रहेगा। दूसरा ये बोला दल आधार पर चुनाव होना चाहिए, दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए। दल आधार पर चुनाव का मतलब जैसे आज बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी है ना, तो दल के आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन होता है क्या? कोई सरपंच बीजेपी का खड़ा होता है क्या? हालांकि वो सरपंच भले बीजेपी को सपोर्ट करता है बात अलग है, लेकिन बीजेपी का सरपंच कभी खड़ा नहीं होता है। उसको अलग से वोट चुनाव मिलेगा, और टोकरी छाप नहीं बाल्टी छाप। समझ में आ रहा है? इस पत्ता छाप, दो पत्ती, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी दल आधार पर आप कभी भी गांव में देखना, सरपंच है तो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, इस दल आधार पर चुनाव नहीं होता है। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ठीक है। साथ में एससी एसटी को आरक्षण होना चाहिए बोल रहे हैं। एसटी एससी को ये बात ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं।
है ना, आरक्षण तो होना चाहिए, ठीक है, एससी एसटी को आरक्षण होना चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, दल आधार पर चुनाव होना चाहिए, एक न्याय पंचायत होना चाहिए बोल रहा है, अलग से क्या होना चाहिए, यदि उस क्षेत्र पर कोई भी कोई गुनाह हो जाए या कोई भी चीज अगर हो जाए या कोई भी विवाद हो जाए तो उसके बंटवारे के लिए अलग से न्याय पंचायत होना चाहिए। आज ऐसा है क्या? वो तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में बैठक होकर के ही सारा चीज सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहा है, न्याय पंचायत होना चाहिए और इसका जो अध्यक्ष है वो एक पुराना रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये न्यायाधीश होना चाहिए जो उस विवाद का सुलह कराए या उस निपटारा कराए उसका। लेकिन ऐसा कोई भी चीज है क्या? नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये बेचारे लोग के बातों को इतना सारा ये लोग रिसर्च किए, 132 तो लोग सुझाव दिए, 137 से अधिक, ठीक है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये था कि जनता पार्टी की सरकार बीच में ही खत्म हो गई, गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुमत नहीं रहता, बहुमत में नहीं रहता तो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई की जो सरकार गिर जाती है और अशोक राय मेहता का जो फाइल है वो खुलता ही नहीं है, बंद क्या बात, ठीक है, जो सुझाव इसने दे के रखे हैं उस पर कोई चर्चा कोई नहीं करता है। तो याद रहेगा, तो ये चार चीजें हैं, इसको याद रखना, दो स्तरी को याद रखना, जिला स्तर पर जिला पंचायत और जनपद स्तर पर जनपद, एसटीएससी का आरक्षण, न्याय पंचायत और दल आधार पर चुनाव की याद रखना, ठीक है ना। चलो इसको भी लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, याद हो रहा है। चलो अशोक राय मेहता 1977, अध्यक्ष अशोक राय मेहता, ठीक है, कुल 22 समिति में सबसे बड़ी समिति, कितने सदस्य, 13, लगभग 13 सदस्य, कुल 22 समिति में सबसे बड़ी समिति, लगभग 13 सदस्य, और उसमें लिखना है 137 से अधिक अनुशंसाएं, ठीक है, याद रहेगा। एक सौ सैंतीस से अधिक अनुशंसा है, ठीक है, उद्देश्य लिख लीजिए, दिसंबर 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने अशोक राय मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित करने एवं मजबूत बनाने के लिए गठन किया, पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने हेतु गठित किया, ऐसे लिख लो, ठीक है, बनेगा। सिफारिश या अनुशंसा, तीसरा हेडिंग अनुशंसा सिफारिश लिख लेते हैं, सिफारिश क्या किया भाई, पहला बता दो, दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, एकता समझ आ रहा है,
फास्ट हो रहा है क्या लिखवाने में? लेफ्टी लोग को थोड़ा दिक्कत होता है लगता है लिखने में। है क्या हो रहा है? लेफ्टी लोग के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा। हाँ लेकिन भेदभाव है ना, लेफ्टी लोग के लिए नहीं बनता है। हाँ वो वाला ठीक है ना, अब उसको ले आया करो ना लेफ्टी लोग, वहां एक दो चेयर यहाँ ले आकर बैठ जाना, उसमें लिख देना मीच लोगों के लिए आरक्षित है। देखो रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है, समझ में आया ना? रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि लोगों के साथ भेदभाव ना। अब समझ में आया होगा रिजर्वेशन का महत्व। जरूर जी, रिजर्वेशन नहीं है होना चाहिए बोलते ना, रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है, सब बराबर होने चाहिए। बनेगा? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, फिर उसको लिखना है जिला स्तर पर, जिला पंचायत और जनपद स्तर के लिए जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत को ऐसा करके लिखे हो ना, बाजू में लिख लेना ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव दिया है ना, ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव दिया, खत्म करने का। दूसरा, दलीय आधार पर चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए कहा? दूसरा, दलीय आधार पर चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। तीसरा, एससी एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। चौथा, न्याय पंचायत नामक अलग संस्था गठित की जानी चाहिए, न्याय पंचायत नामक अलग संस्था गठित की जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए। न्याय पंचायत एक अलग संस्था गठित की जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए। एक और लिख ले रहा, पांचवा, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए। पंचायत कर लगाते कि नहीं लगाते? लगाते है भाई साहब। अगर मान करके चलो पशु मेला लग रहा है वहां, समझ में आ रहा, तो उस पर कर लगा सकती है। बाजार लग रहा है अगर उस क्षेत्र में, तो बाजार पर कर लगा सकती है, समझ में आ रहा है। कोई भी अगर मेला मड़ई हो रहा है तो उस पर वो कर लगा सकते हैं, समझ आ रहा है? पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, ये अनुशंसा याद रख, नोट करके नीचे लिख लीजिए। जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण, जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण इस समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाई, जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण इस समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाई। नीचे लिखना, इसी के आगे और लिखना एक लाइन, उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, फिर भी इस समिति की सिफारिशों को KAP 3 राज्यों में लागू किया गया, 3 राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर लागू किया गया, इस समिति कुछ क्षेत्रों पर लागू किया गया। उन 3 राज्यों का नाम लिख लेना है, कैसे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल लिख लेना है।
बनेगा, याद रहेगा। तो दो स्तरीय पंचायती राज कौन, दल आधार पर चुनाव कौन, ठीक है, ग्राम पंचायत को समाप्त करने कौन, तीन स्तरीय पंचायती राज कौन, पंचायती राज के जनक कौन, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन आजाद भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। न्याय पंचायत के की बात किसने कही, ठीक है, और पंचायतों को कर लगाने के लिए शक्ति। चलो तीसरा आपको याद रखना है जीवीके राव समिति, है ना, बीएजी, है ना, कब, 57-70 के बाद, 85। याद हो रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे भाई, तो आप लोग करना उसको, मैं सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा। 1980 बनेगा। चलो अभी तक ध्यान दो, कौन था उस समय प्रधानमंत्री जी, राजीव गांधी, है ना। चलो इधर ध्यान दो, लिखना बाद में। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा फिर से यह प्रयास किया गया कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए, और उसके लिए जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया भाई, 1980। इनकी अनुशंसा या सिफारिश क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए बोला, कितना बलवंत राय, कितना अशोक राय, और जीवीके राव, ठीक है ना। चार स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए बोला, चार स्तर कौन कौन सा सर, तो सबसे पहले राज्य स्तर पर राज्य परिषद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर आ जाएंगे दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए बोल रहा है, ये सिस्टम भी एक तरीके से ठीक था, है ना। खंड स्तर पर या जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, जनपद स्तर पर और ग्राम स्तर पर, ये सिस्टम होना चाहिए बोले, ठीक है। लेकिन क्या है क्या ऐसा, दो स्तरीय है, कहां कहां याद रखना, कहां कहां, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लिखे हो ना, अभी लिखे हो ना, पंजाब तो नहीं कर दिया, ठीक है, याद रहेगा। चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कहेंगे कौन, याद रखना, एक दो तीन चार, नाम भी इसका चार, ऐसा याद रख सकता है, कंफ्यूजिंग हो गया तो, जीवीके राव, है नहीं, याद रहेगा। दूसरा इसने क्या कहा, देखो, दल आधार पर चुनाव कौन बोला, ये बोल रहा है कि दल आधार पर होना चाहिए, ठीक है, वो सब सेकेंडरी बोले, हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, होता है क्या, किसके कहने पर चल रहे हैं, पहली बार जो हर 5 साल में चुनाव होने की बात किसने कही, जीवीके राव समिति, इसको याद रखना है, तो दो याद रखने ज्यादा कुछ, ठीक है, किसकी समर्थ सरकार में, चलो इसको लिख लेते हैं। जीवीके राव समिति अध्यक्ष जीवीके राव, Thank you.
नीचे लिखना राजीव गांधी की सरकार के समय, राजीव गांधी की सरकार के समय योजना आयोग द्वारा जीवी के राव की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा ना अंडरलाइन कर लेना है, योजना आयोग द्वारा बताया भी योजना आयोग हुआ करता था उस समय, योजना आयोग द्वारा जीवी के राव के अध्यक्षता में 1985 में गठित किया गया। उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी कम करना, ग्रामीण विकास और देखो हर एक व्यक्ति हर एक समिति घुमा फिरा के किसकी बात कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। पंचायत भले वो चाहे तीन बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई चार बोल रहा है, लेकिन घुमा फिरा के पंचायती राज का गठन करना च पड़ेगा अगर आपको स्थानीय स्वशासन या गांव का विकास करना है। तो बार 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 हर एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है, होगा धीरे से होगा, अभी दो तीन जगह लागू है, कहाँ कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी में, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में 11 अक्टूबर, ठीक है ना, ये दो जगह चल रहा है, फिर ये दो स्तरीय भी शुरू हो गया, तीन थोर, ठीक है ना, अभी और चलते चलेंगे आगे। चलो अनुशंसा या सिफारिश लिख लीजिए, चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए लिखना है, और वो चारों को लिखना है ना। दूसरा लिखना है प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया। ठीक बनेगा, लेकिन क्या हुआ कि राजीव गांधी की सरकार में नौकरशाही व्यवस्था बहुत ज्यादा चलती थी। नौकरशाही किसको बोलते हैं, लाल फीताशाही, नौकरशाही, ये सब आप लोक प्रशासन में पढ़ोगे मेंस में, लाल फीताशाही समझते आप लोग, सरकारी ऑफिस में जाते होगे तो एक तो फाइल देखते होगे जो जिस हमेशा लाल कलर के कपड़े में बंधा रहता है, उसे को लाल फीता बोलते हैं। कोई भी फाइल, कोई भी काम, सरकार का काम नीचे स्तर पर जाएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है फाइल, तो वो फाइल ऊपर जाते जाते आते इस लाल फीता शाही के कारण भ्रष्टाचार होता है। नीचे वाला आदमी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर वाला जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे मैं साइन नहीं करूंगा बोल रहा है, तो वही जो फाइल एक के बाद ऊपर चलते जा रहा है या नीचे आ रहा है वो लाल फीता शाही है। उसी प्रकार नौकरशाही व्यवस्था में क्या होता है कि बड़ा अधिकारी उसके अंदर छोटा अधिकारी, उसके अंदर छोटा अधिकारी, उसके अंदर छोटा अधिकारी चल रहा है। कोई भी काम, कोई भी योजना, अधिकतर आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं सरकार तो लाती है, सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हो सकता है कोई नीचे वाला आदमी अच्छे से काम कर रहा है, उसके ऊपर वाला काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है तो उसके ऊपर वाला नहीं कर पा रहा। जरूरी नहीं है ना पूरा बॉडी एकदम स्ट्रांग बॉडी रहे और सारे लोग अपना काम को पूर्ण रूप से ईमानदारी से करें, कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए आज भ्रष्टाचार आज भी है। बताओ ना, उस जमाने में भ्रष्टाचार पड़े आज नहीं है, आज गोबर घोटाला नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, शराब घोटाला नहीं हो रहा है,
सब हो रहा है, सब भ्रष्टाचार, समझ आ रहा है। तो इस नौकरशाही व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण ये सारा जो सिस्टम है ये सही से उन लोग भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो नोट करके एक चीज लिख लेना है, विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद कर लेना, कभी आ गया तो याद रखना है, विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण, नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज कमजोर हो गया, पंचायती राज कमजोर हो गया, जिसके कारण इसे बिना जड़ की घास कहा गया है। फिर से बोल रहा हूं, विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज कमजोर हो गया, लिखिए, जिसके कारण इसे बिना जड़ की घास कहा गया। बिना जड़ की घास किसे कहा गया, तो पंचायती राज को, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आगे भाई, कौन सा नंबर 4, चलो हेडिंग डाल दिया था, इसी को पढ़ लेते हैं फिर छुट्टी कर दूंगा। लक्ष्मी मल सिंह जी कब, लक्ष्मी मल सिंह भी समिति पूरा लिखना है भाई, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इस समय भी राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने दोबारा प्रयास किया, ठीक, और लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में क्या किया, एक समिति का गठन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण सिंह थी। एम लक्ष्मीकांत की बुक कौन सा सब्जेक्ट का है, संविधान, उसी से याद रखना है, लक्ष्मी याद रहेगा, अनुशंसा या सिफारिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात किसने कही, संवैधानिक दर्जा संविधान, लक्ष्मीकांत, ऐसा याद रखना, याद रहेगा, संवैधानिक दर्जा क्यों बोला भाई, इससे पहले देखो सब बोल रहा है दो स्तरीय होना चाहिए, कोई त्रिस्तरीय बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई चार स्तरीय बोल रहा है, ठीक, राजीव गांधी जी ने चालू करके देख लिया, लेकिन नौकरशाही व्यवस्था चल रही थी जिसके कारण सही से उसका इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, है ना, तो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा था, क्योंकि पंचायती राज अभी भी आर्टिकल 40 के तहत ही हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, पंचायती राज व्यवस्था जो है अभी संवैधानिक दर्जा मिला है क्या, संविधान में तो 73वां संविधान संशोधन कब लाएंगे, 1992, ये क्या चल रहा है, समझ आ रहा है ना, पहले दिन बताया था, अभी भी आर्टिकल 40 के तहत हो रहा है, वो भी नीति निर्देशक तत्व, उसमें क्या लिखा था, यदि किसी सरकार को लगता है कि उस क्षेत्र में पंचायतों का गठन किया जाना है तो करेगा, नहीं तो आवश्यक, लेकिन इन्होंने पहली बार किया कि नहीं भाई आवश्यक करो तभी वो होगा, नहीं तो गांव का विकास जीवन में कभी नहीं हो पाएगा, संवैधानिक दर्जा दिया जाए स्पेशल उसके लिए आर्टिकल बनाने की बात पहली बार किसने करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके बाद के लोग भी करेंगे, पहली बार किसने किया तो याद रहेगा, त्रिस्तरीय कौन, दो स्तरीय कौन, चार स्त्री कौन, संवैधानिक दर्जा कौन, याद रहेगा, याद रखना है भाई, है ना, इन्होंने भी
नया पंचायत की बात की, अलग से नया पंचायत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक दर्जा तो दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने भी बोला कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, जैसा कि बलवंत राय मेहता ने बताया था वैसे। जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की, ठीक है, याद रहे ना? दल आधार पर चुनाव होना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। प्रत्येक 5 साल में चुनाव होना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं। जो पुरानी चीजें हैं वही वही रिपीट हो रही है। एक तो बस मेरे याद रखना है, क्या याद रहेगा? इसी को पूछेगा आपको। चलो लिख लेते हैं। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीमल सिंह भी संवैधानिक, याद रहेगा ना? भूलना नहीं है। लक्ष्मीमल सिंह भी समिति 1986, अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंह भी, ठीक। उद्देश्य लिखना है 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का, 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के लिए गठित समिति। लेकिन पहला पंचायती राज के लिए गठित समिति अशोक राय मेहता, बलवंत राय मत चिपका देना, पहले बता रहा हूं, वो पहले ही ऑप्शन में रहेगा। वो मैं तो एकदम पढ़ी हूं, बार बार फट से लगाए, समझ में घर आके हो गलती हो गया सर, ऐसे हो जाता, ठीक है। अनुशंसा या सिफारिशें पुनरुद्धार के लिए गठित समिति, अनुशंसा या सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लेना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया कौन? पहली बार है ना, इसके बाद के लोग भी बोलेंगे, लेकिन पहली बार वाला मेन इंपॉर्टेंट है ना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। दूसरा, दल आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए बोला। सॉरी, ये दल आधार पर चुनाव ना नहीं होना चाहिए, जैसा आज नहीं होता, दल आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए कहा। दल आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए बोले ना, दल आधार पर चुनाव कौन होना चाहिए बोला, ठीक है। गांव के समूह के लिए नया पंचायत होनी चाहिए, हर 5 साल में चुनाव कौन, चार स्तरी कौन, अब नाम से याद आ रहा है, ऐसा ट्रिक से जोड़ के पढ़ोगे ना तो लंबा समय तक याद रहता है। नया पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए और इसको लिखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लिख लेना है, ब्रैकेट में लिख लेना, लिखना चाहो तो बलवंत राय मेहता के समान त्रिस्तरीय पंचायत या लिख सकते हो, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर, समझ आ रहा है एकदम, याद हो रहा है? ये देखना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, देखते हैं बनता है कि नहीं। पीके थुम्बन और गाडगिल और बच गए, पीके थुम्बन और गाडगिल, ठीक है, इसको हम लोग आगे करेंगे और उसके बाद अपन चलेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में,
और एक पेशा एक चल रहा है, तीन पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल हम लोग क्या करेंगे, दो समिति पढ़ेंगे, ठीक है। समिति होने के बाद 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1992 में, 74वां में नगरी निकाय हो जाएगा, ठीक है। 73वां के अंदर आर्टिकल जोड़ेंगे, कितना, 243 से 243 को, और उस आर्टिकल को याद करेंगे पूरा, क से लेकर अड़ा तक रहेगा और ए से लेकर ओ तक, टोटल 15 आर्टिकल कल याद कर लेंगे। उसके बाद उन 15 आर्टिकल के अंदर चलेंगे, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा कैसा होता है, बैठक कैसे होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कौन उस ग्राम सभा में शामिल रहेगा, सारा चीज, ठीक है। एक एक करके चलते चलेंगे, आराम से चल रहा हूँ, आप लोग पढ़ते चलो, लेकिन वरना मैं पढ़ा दूंगा आपको, फिर से पढ़ना मत पड़े, एक बार पढ़े और इसका मैं आपको PDF दूंगा, MCQ अगर वाला सारा, MCQ को भी ना, जहाँ नोट्स है उसके पीछे पीछे क्वेश्चन और आंसर लिख लेना, समझ आ रहा है ना। अभी आप लोग प्रीलिम्स दे दीजिए, उसके बाद अभी मैं व्यापम से आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है वो सारा पेपर मंगवा दिया। एवरी सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, एक एक पेपर को यहाँ टेस्ट के रूप में देना है और एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर मैथ रीजनिंग है तो सर आकर के मैथ रीजनिंग सॉल्व करेंगे, छत्तीसगढ़ का पोर्शन है छत्तीसगढ़ पोर्शन मैं सॉल्व करूंगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाले करें, इस तरीके से, मतलब वो 150 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना है, तब आपको सारी चीजें ना एग्जाम में बैठोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब मैं वो पेपर सॉल्व कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। प्रश्न तो आखिर इतिहास का तो इतिहास ही रहेगा, भूगोल का है तो भूगोल, हो सकता है आज से 5 साल पहले जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, अगर अकबर के बारे में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, तो आज के समय में अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब, शाहजहां, सबको मिला के क्वेश्चन होगा, क्या दिक्कत है। पुराने जमाने में वैसा होता था, एक व्यक्ति के बारे में पूछता था, आज के जमाने में ये हो गया कि 4 व्यक्ति को मिला के क्वेश्चन बना दे, क्या हो गया, चारों को पढ़ लेंगे, समझ आ रहा। अगर आपने ईमानदारी से सही तरीके से सही हर एक चीज को पढ़ा है ना, तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंख के सामने वो प्रश्न और आप सब बने, अगर पढ़े हो तो। मैं जितना पढ़ा दिया वहां से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बोल देना, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, कोई भी मतलब कोई भी, हाँ शर्त यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मेरा तो काम मैं कर दिया, ठीक है। तो इतना करके आप लोग आएंगे और पूरे याद करके आएंगे, समिति कल कंप्लीट करेंगे। अच्छा, समिति कंप्लीट करने के बाद मैं नहीं जाऊंगा, कल नहीं पढ़ेंगे उसको, 73वां में पढ़ेंगे, कल MCQ सॉल्व करेंगे, तो समिति पढ़ के आना, दो समिति कल और पढ़ लेंगे और फिर MCQ सॉल्व करेंगे, परसों हम लोग जाएंगे और MCQ का आप लोग कॉपी में लिख ले रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, इतना करके आप